और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर स्वागत है। दोस्तों दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है वो है वाउचर ऑथराइजेशन ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल यूजर वाइज वाउचर को ऑथराइज करता है, या कह सकते हैं कि ये चेकर और मेकर के कंसेप्ट को फॉलो करता है। ट्यूटोरियल है जो दोस्तों मैंने अपने टैली में लगा कर रखा है। ये प्राइम आप देख रहे हैं, प्राइम पर मैंने यहाँ F1 का बटन है हेल्प का, यहाँ पर TDL एड ऑन है। और यहाँ पर नीचे में दोस्तों ये देखिए आप, यूजर वाउचर ऑथराइजेशन, ये हमारे पास यूजर वाउचर ऑथराइजेशन नाम का एक TDL है जो मैंने लोड कर रखा है। TDL लोड करने के बाद दोस्तों इसे एक्टिवेट हमें करना होगा। सबसे पहला जो एक्टिवेट है TDL एड ऑन में, ये एड ऑन फीचर पर जाके यहाँ पर हमें इस ऑप्शन को यस करना होगा, इनेबल वाउचर ऑथराइजेशन। इसे यस करने के बाद जो ये TDL हमारा एक्टिवेट हो गया। पर जैसा कि ये है वाउचर ऑथराइजेशन है, यूजर आपके जो भी एंट्री करेगा जब तक एडमिन उसे ऑथराइज ना करे, या चेकर मेकर के द्वारा की गई एंट्री को जब तक ऑथराइज ना करे, ये अकाउंट्स बुक को इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये नीड है कि हमारे पास यूजर होने चाहिए। तो यूजर के लिए हम लोग यहाँ पर कंपनी में चलेंगे। यहाँ पर आप देखिए यूजर एंड पासवर्ड का ऑप्शन है, इसमें हम चलेंगे। और हमारे पास एक यूजर बना हुआ है, यूजर वन नाम का, और पासवर्ड भी हमने उसका रखा है यूजर वन। और इसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, TDL लगाने के बाद दो ऑप्शन हाईलाइट होते हैं, इज चेकर और इज मेकर। अभी आपको ये डिफाइन करना है कि ये जो आपने यूजर बना रहे हैं यूजर वन, वो चेकर है या मेकर है। मेरे केस में मैंने इसे एज ए मेकर यूज किया है। इसके बाद हम सेकेंड लाइन में चलते हैं। दूसरा जो यूजर है वो एज ए ऑनर हमारा ट्रीट होगा, और पासवर्ड हमने उसका यूजर टू रखा है, और इसमें चेकर को यस किया है और मेकर को नो किया है। मतलब ये है कि जो यूजर वन है हमारा मेकर है, और यूजर टू है जो हमारा चेकर है, और एडमिन जो हमारा है, जो मेन हमारा एडमिन है, वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास चेकर ही होता है। तो कह सकते हैं हमारे पास जो तीन यूजर आईडी हैं, एक एडमिन का है, दूसरा यूजर वन है, तीसरा यूजर टू है। एडमिन और यूजर टू एज ए चेकर यूज होंगे, और यूजर वन एज ए मेकर यूज होगा। मतलब यूजर वन एंट्री करेगा और यूजर टू या एडमिन उसे अप्रूव करेगा। ये सेट करने के बाद अब ये देखते हैं कि हमारे पास नो वाउचर एंट्री, अभी कोई भी एंट्री इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हमें कंपनी को सेट करना होगा। तो कंपनी को हमने यहाँ पर जाकर सेट किया, और अब हमें कंपनी को फिर से ओपन करना होगा। तो हम एडमिन में चलेंगे, ये हमारी कंपनी है, और यूजर वन नाम का हमने यूजर बनाया था जो कि एज ए मेकर था। इसे जैसे हम यस करेंगे, कुछ इस तरह का हमारे पास अवेलेबल आएगा। अभी एक चीज देखने लायक है, जब हम कंट्रोल इन करते हैं तो आप ये देखिए, तीन और चार में चेकर नो और मेकर यस है। एक और दो नंबर का आप इग्नोर कीजिए, वो एडमिन वाला शो कर रहा है। तीन और चार में देखिए चेकर नो है और मेकर यस है। मतलब ये जो हमने पैनल ओपन किया है यूजर वन का, वो चेकर नहीं है बल्कि मेकर है, ये यहाँ पर बदला रहा है। अब हम आते हैं यहाँ, इसमें हम वाउचर में जाएंगे। तो जैसे ही हम देंगे, देखिए पेंडिंग फॉर ऑथराइजेशन, जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमने 1200 की एक एंट्री पेमेंट वाउचर में पास की। उसके बाद हम रिसिप्ट में एक 1200 की एंट्री पास करते हैं। फिर हम जर्नल लेते हैं, पर जैसे ही हमने जर्नल लिया, आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर 100 रुपये का मैं इसे ही डेबिट क्रेडिट कर देता हूं। एक ही लेजर को मैंने डेबिट क्रेडिट कर दिया है, तो या लेजर को अलग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को ले लेते हैं। अभी ये करने के बाद आप ये देखिए, मैंने तीन एंट्रियां की हैं। अब हम डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर चेक करेंगे, तो ये जो हमारा एक्सपेंस का है उसमें देखिए एक ही एंट्री शो कर रही है। डेबिट से मैं आपको दिखलाता हूँ, तीन एंट्री था, दो एंट्री जो है ऑप्शनल में है, तीसरा एंट्री जनरल में है। ये कैसे हुआ है ये आपको लॉजिक में अलग से बतलाऊंगा जब मेरा एडमिन का पैनल ओपन होगा। तो अभी आप समझिए कि एडमिन ने उसे जो पावर दी है उसमें ये पेमेंट वाउचर में जब भी एंट्री करेगा,
या रिसीट वाउचर में जब भी एंट्री करेगा वो वाउचर अकाउंट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब आते हैं, अब बैलेंस भी देख सकते हैं, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस चूंकि एक्सपेंस की एंट्री थी, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ये नहीं देख सकता है। अभी हम कंपनी में चलेंगे और सर्ट करेंगे। सर्ट करने के बाद हम फिर से एडमिन को ओपन करेंगे और एडमिन से ओपन करते हैं। जैसे एडमिन से ओपन करेंगे आप ये देखिए चेकर यस हो गया है 5 नंबर में, कंट्रोल कैलकुलेटर में देखिए चेकर यस है और मेकर नो है। यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास है वाउचर ऑथराइजेशन का, यहाँ देखिए वाउचर ऑथराइजेशन। जैसे हम इसमें एंट्री करेंगे यहाँ पर 3 वाउचर हमारे पास शो रहा है, तो ये जो वाउचर हमारे पास है जो ऑप्शनल वाउचर है ये हमारे अकाउंट्स को इफेक्ट नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में बस एक ही एंट्री हमारे पास आएगा जो कि हमने जर्नल में एंट्री की थी, बस एक एंट्री, बाकी 2 एंट्री हमारे अकाउंट्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। हम लेजर भी देख सकते हैं, लेजर में भी एक ही एंट्री आ रही है। तो अब हम चलेंगे वाउचर ऑथराइजेशन में। जैसे ऑथराइज करने के लिए जो हमारा एडमिन है वो इस वाउचर को ओपन करेगा और इंटर मारते हुए आगे बढ़ेगा। अभी यहाँ पर ऑथराइज इस वाउचर, जैसे ही हम इसे यस करते हैं आप ये देखिए यहाँ पर शो कर रहा है ऑथराइज बाय एडमिन, एडमिन ने इसे ऑथराइज कर दिया, ऑथराइज डेट एंड टाइम यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट कर गया। फिर से देखिए अगर ये इसे ऑथराइज नहीं करता है, नो कर दिया मैंने, और फिर से यस करता हूँ तो ये देखिए टाइम देखिए 12:47:50 है। जैसे ही यस करते हैं ये देखिए 50 से 56 सेकेंड हो गया ये, और ये एंट्री हमारा ऑथराइज हो चुका है। ऑथराइज होने के बाद वाउचर देखिए यहाँ से हट गया है पेमेंट का, और डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर एक्सपेंस का जब हम एंट्री ओपन करते हैं तो 2 वाउचर यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एडमिन ने इसे ऑथराइज कर दिया और एक एंट्री अभी भी बाकी है। अब एडमिन को लग रहा है कि इस एंट्री में कुछ रिफ प्रॉब्लम है, तो वो उस ऑथराइज को ऑथराइज अगर करना है तो यस करेगा, नहीं करना है तो उसे नो कर देगा। जैसे ही नो करेगा अब देखिए जैसे यस करता है तो ऊपर का ऑप्शन देखिए पेंडिंग फॉर ऑथराइजेशन वो हट जाता है और नो करने पर आ जाता है। अभी उसने चूंकि रिजेक्ट किया है तो रिजेक्टेड बाई यहाँ पर शो हो रहा है, आप देखिए रिजेक्टेड बाई एडमिन। अगर वो ऑथराइज करेगा तो ऑथराइज बाई एडमिन, रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्टेड बाई एडमिन, और यहाँ पर रिजेक्टेड डेट एंड टाइम, ऑथराइज के केस में ऑथराइज डेट एंड टाइम, तो ये इसने ऑथराइज नहीं किया तो रीजन करेगा काइंडली चेक, काइंडली रीचेक, जो भी रीजन देना है एडमिन को नीट के अकॉर्डिंग ऑथराइज नहीं करने का वो यहाँ पर दे देगा और इस तरह से एंट्री को एडमिन सेव कर लेगा। एंट्री सेव करने के बाद आप यहां भी देख सकते हैं नीचे में नरेशन आ गया है काइंडली रीचेक का रेड कलर में, यहाँ पर देखिए काइंडली रीचेक। तो ये तो एडमिन का पैनल है। अब जिम्मेदारी बनती है हमारे यूजर की कि एडमिन ने जो एंट्री को रिफ्लेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट किया है, उसे अब वो रिवेरीफाई करेगा। तो यहाँ पर फिर से यूजर वन आएगा और यूजर वन का पासवर्ड देगा यूजर वन, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा रिजेक्टेड वाउचर का। 3 वाउचर इसने पास किया था पर एक ही वाउचर रिजेक्ट हुआ है और उसका क्या कारण है वो यहाँ पर दिखला रहा है काइंडली रीचेक। अब एडमिन से रीचेक करेगा और हमारे यूजर को ये लगा कि ये रेट हमने गलत डाल दिया था, 1200 नहीं बल्कि ये 1000 था, तो वो फिर से एंट्री करेगा और सेव कर देगा। सेव करने के बाद यूजर का वर्क हो गया है, फिर से इसे एडमिन को अप्रूव करना होगा। तो इस बार हम फिर से कंपनी को सेट करते हैं और फिर से पैनल खोलते हैं एडमिन का, पर हम लोग इस बार यूजर 2 से एंट्री करते हैं। एडमिन तो अप्रूव कर ही सकता है पर हमारे पास यूजर 2 को भी ये पावर है। अभी आप ये देखिए जैसे मैंने किया ये देखिए फिर से चेकर यस और मेकर नो का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर वाउचर ऑथराइजेशन में फिर से हमारा ये जाएगा यूजर 2, और जैसे ही ये वाउचर को ओपन करेगा ये देखिए रिजेक्टेड बाई हमारा एडमिन था, पर अभी हम लोग क्या करेंगे अगर ये देखिए ऑथराइज दिस वाउचर तो ये हमारा यूजर 2 से ऑथराइज को शो करेगा, नो करेंगे तो अब अगर ये रिजेक्टेड होगा तो यूजर 2 से होगा, पर वाउचर को सेव नहीं करते हैं तो ये देखिए ये हमारा एडमिन के द्वारा रिजेक्टेड है। तो अगर इसे ऑथराइज करना है तो यूजर 2 भी यस कर देगा और इस बार नरेशन को उसे हटा देना होगा चूंकि ये अप्रूव हो चुका है और ये सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे अभी हमारी 3 एंट्रियां यहाँ पर आप देख सकते हैं लेजर में इफेक्ट कर गई है।
अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि पेमेंट और रिसिप्ट जब यूजर एंट्री कर रहा था तो वो ऑफलाइन जा रही थी पर जर्नल क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि एडमिन को वो पावर भी देना होगा कि वो किस वाउचर को ऑथोराइज करवाना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे और आप देखिए रिसिप्ट वाउचर को, जैसे ही रिसिप्ट वाउचर में आएंगे यहाँ पर यूज फॉर वाउचर ऑथराइजेशन, मतलब ये जो वाउचर है क्या उस पर ये फैसिलिटी यूज होगी कि जब यूजर एंट्री करेगा तो वो ऑप्शनल में चला जाएगा, अकाउंट से इफेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर यस किया था रिसिट वाउचर में। सेम फंडा हमारे पास ये पेमेंट वाउचर में भी था पर जर्नल में आप देख सकते हैं मैंने इसे नो ही रखा था। तो जिस वाउचर में आप इसे यस कीजिएगा वो वाउचर ऑथराइजेशन में भी चला आएगा। अब ये फिर से मैंने जर्नल को यस कर दिया है। इस बार हम आते हैं सेट कंपनी में और फिर से एडमिन कंपनी में खोलेंगे और यूजर वन इस बार लॉगिन करेगा और यूजर वन लॉगिन करेगा और ये जर्नल वाउचर यूजर वन पास करेगा। आप ये देख सकते हैं कि ये पेंडिंग फॉर ऑथराइजेशन ऊपर शो हो रहा है, मतलब ये जो एंट्री है अभी फिर से अकाउंट्स को रिफ्लेक्ट नहीं की है। ये देखिए हमारे पास एक्सपेंस में एक ही वाउचर आ रहा है जबकि हमारे पास दो वाउचर था। तो ये जो एंट्री है क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर से सर्ट कंपनी करेंगे और एडमिन को फिर से ओपन करना होगा। एडमिन इस बार जब हम यहाँ पर आएंगे वाउचर ऑथराइजेशन में तो ये एक एंट्री हमारे पास, देखिए ये पहले वाला अप्रूव है, ये एंट्री फिर से आ गई है जो कि अकाउंट से इफेक्ट नहीं कर रहा है। इसे फिर से ओपन करेंगे, अगर ऑथराइज करना है तो ऑथराइज वाउचर कर देंगे, ये हमारा ऑथराइज हो जाएगा और ये अकाउंट्स को इफेक्ट कर देगा। ये देखिए इस बार दोनों एंट्री अकाउंट्स को इफेक्ट कर दी। तो यही है दोस्तों, अगर ये TDL पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और TDL को पाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मैं ये TDL आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए TDL का, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।